दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल जीके गुरु जेड्डा प्लेटफॉर्म पर। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच में हूँ। मॉडल क्या है, बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट इंग्लिश के लिए रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही चैनल की तरफ से। आप चैनल पर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सहयोग की अपेक्षा है। आइए देखते हैं मॉडल क्या है। मॉडल मींस जो मूड एंड मैनर को शो करे, जो किसी के मूड या मैनर को, टेंस का मूड क्या है, मैनर क्या है उसका, किसी के बात करने का तरीका क्या है, उसका मूड कैसा है, उसके बारे में आज बात करेंगे हम। उससे पहले आप जानिए कि वर्ब क्या है। वर्ब इज एन एक्शन। किसी भी काम का होना, किसी भी काम का करना, या कोई भी वस्तु किस स्थिति में है, जहां से इस बात का पता चलता है, उसको वर्ब कहते हैं। आज इस तस्वीर में मॉडल के लिए आपके बीच में हूं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मॉडल क्या बताता है, मूड या मैनर। जो मूड और मैनर की बात करता है वो मॉडल ऑक्सिलरी होता है। कब कब मॉडल वर्ब्स यूज की जाती हैं और कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, शर्तें ऐसी कौन सी हैं, कौन सी कंडीशन है जब मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। जैसे मैं यहां कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और उनके माध्यम से समझने की कोशिश की जाएगी। जैसे आई कैन सिंग, यू कैन सिंग, ही कैन सिंग। यहां पर मैंने तीन अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हैं। हमने मॉडल वर्ब देखा एक ही है, लेकिन सब्जेक्ट हमने हर बार चेंज किया है। इसका मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी ऐसी वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के मूड और मैनर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। वहीं पर जब हम ऑक्सिलरी की बात करते हैं, जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो हमने देखा कि आई के साथ अगर एम यूज होता है तो ही के साथ इज होता है, वी के साथ आर होता है। इसका मतलब कि सब्जेक्ट के मूड के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या होता है दोस्तों, कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है हर बार आप देखिए, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी अपने फॉर्म में है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। इसका मतलब सब्जेक्ट के मूड के अकॉर्डिंग मॉडल ऑक्सिलरी चेंज नहीं होती है। एक चीज इन्हीं एग्जांपल्स के माध्यम से हम और एक चीज समझते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा वर्ब के साथ है। कि कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी अकेले प्रयोग नहीं की जाएगी किसी सेंटेंस में। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहां कैन तो हमने मॉडल ऑक्सिलरी ले लिया, लेकिन इसके बाद में एक मेन वर्ब भी है। मॉडल वर्ब के साथ में कंडीशन ऐसी है कि जब भी उसका प्रयोग किया जाएगा तो उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना जरूरी होता है। इट मींस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरी, आफ्टर द मॉडल वर्ब। दो चीजें आपको बता चुका मैं, सब्जेक्ट के अनुसार मॉडल वर्ब कभी नहीं चेंज होगी। दूसरी चीज मैंने जो बताई कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब जरूर यूज किया जाएगा। जबकि कभी कभी क्या होता है कि ही इज अ डॉक्टर, ये जो वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है, ये प्रिंसिपल वर्ब, ये सबका काम कर रही है, लेकिन मॉडल के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तीसरी बात आपको बताऊं कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और किसी भी तरह की फॉर्म यूज नहीं की जा सकती है मॉडल ऑक्सिलरी से पहले। तो ये ऐसी तीन बातें थी जो किसी भी मॉडल वर्ब को प्रयोग करते समय देखा जा सकता है। डिफरेंट एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, किस तरीके से इनका सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, और साथ साथ ये भी आपको बताया हमने एग्जाम्पल देके
कि किस तरीके से वर्ब यूज की जाती है और किस तरीके से हम देखते हैं सेंटेंसेस में कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनका मूड चेंज नहीं होता है। अब कितनी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, स्पेशली जिनको पढ़ते हैं अपने चैप्टर्स में, एक बार ओवरव्यू किया जाए। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, डेयर, ये इसके साथ में नीड नॉट, ये ऐसे वर्ब हैं जिनको हम जनरली मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वर्ब जहां भी आएंगे इनके साथ सब्जेक्ट किसी भी तरह का यूज किया जा सकता है, ये अपना फॉर्म कभी नहीं चेंज करेंगे। तीसरी बात कि इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म जरूर यूज की जाएगी। अब आइए एक एक मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि इनका क्या यूज है, किस तरीके से कब इनको यूज किया जाएगा किसी सेंटेंस में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैल और विल के बारे में। शैल और विल ऐसे देखने में तो हमको ये नजर आ रहा होगा कि फ्यूचर टेंस में इसको हमने कहीं पढ़ा है रिसेंटली। अभी फ्यूचर टेंस मैंने अपने ग्रुप पर, अपने चैनल पर डाला है, तो आप जाइए वहां ओवरव्यू करिए, फिर आप मॉडल पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। शैल और विल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यहां हम इसको मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में पढ़ने चल रहे हैं। शैल क्या है और विल क्या है, ऐसे तो हमने जाना है कि आई और वी के साथ में शैल, ही, शी, इट, दे, वी और यू, इनके साथ में विल का यूज करते हैं। लेकिन जब इनको मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में पढ़ा जाता है, मॉडल का मतलब जो मूड या मैनर को बताए, साथ साथ आप ये भी समझिए जो स्पेसिफिक होती हैं, जिनका रोल स्पेसिफिक स्पेशल होता है, उनको मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। तो इनका रोल स्पेसिफिक हो जाता है, इनका रोल स्पेसिफिक होगा, स्पेशल होगा सेंटेंस के अंदर। आइए उसकी बात करते हैं। शैल और विल, सबसे पहले देखते हैं शैल क्या है। चाहिए के अर्थ में शैल का प्रयोग किया जाता है, चाहिए के अर्थ में। और कहां प्रयोग किया जाता है फ्यूचर टेंस में, यह भी मैंने आपको बताया। अब एक एक करके देखते हैं इनका प्रयोग। टू सो कमांड, कमांड बताने के लिए। कब? सेल के बारे में मैंने बताया, आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में। लेकिन जब आप मॉडल ऑक्सिलरी में इनको पढ़ते हैं तो इनका रोल चेंज हो जाता है, ये आई वी को छोड़कर और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ प्रयोग होने लगेगा, वी के साथ नहीं, आई के साथ नहीं, बाकी यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ अब सेल प्रयोग होगा। जब ऐसा होगा तो सेल क्या क्या बताएगा? पहला बताएगा कमांड के बारे में, दूसरा बताता है ये थ्रेट के बारे में, तीसरा बताता है प्रॉमिस के बारे में। तब ये तीन अलग अलग चीजों के बारे में बात करेगा सेल, तब जब आई बी के साथ नहीं प्रयोग किया जाएगा बल्कि यू के साथ, दे के साथ, ही, शी और इट के साथ प्रयोग करेंगे। तो ये बताएगा कमांड के बारे में, तब ये बताएगा थ्रेट के बारे में, ये प्रॉमिस के बारे में बात करेगा। कमांड क्या है? यू शैल कंप्लीट इट ऑन टाइम, ये हो गया कमांड, आदेश जिसको कहते हैं, ऑर्डर। कमांड को आप समझिए ऑर्डर के लहजे में। थ्रेट क्या है? थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, धमकी किसी को देना। यू शैल पे फॉर योर मिस्टेक्स, यू शैल पे फॉर योर मिस्टेक्स, तुम्हारी गलतियों के लिए ना
तुम्हें क्या होगा, पे करना पड़ेगा, पनिश किया जाएगा, सजा मिलेगी, थ्रेट है, धमकी है, किसी को धमकी देना। प्रॉमिस करने के सेंस में देखते हैं, यू शैल गेट रिवॉर्डेड, यू शैल गेट रिवॉर्डेड फॉर गुड वर्क। अब हमने देख लिया शैल को, जब ये यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ यूज होगा, तो इसका रोल हो जाएगा इस तरीके से, कमांड के सेंस में, थ्रेट के सेंस में, प्रॉमिस के सेंस में। शैल का ही पास्ट फॉर्म है शुड। शैल का जो पास्ट फॉर्म है वो है शुड, और शुड का रोल किसी सेंटेंस में क्या है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी, अब उसको देखा जाए। Should is also a modal auxiliary. Should is the past form of shall. और इसके साथ हम देखते हैं कि should का क्या क्या प्रयोग है सेंटेंस के अंदर। जब वो past tense के रूप में आता है shall के, तो किस तरीके से उसको यूज करते हैं सेंटेंस में, आइए अब ये देखते हैं। Should ड्यूटी बताने के सेंस में प्रयोग करते हैं, एडवाइस के सेंस में, ड्यूटी के सेंस में, एडवाइस के सेंस में, पर्पज बताने के सेंस में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ जब कभी प्रोबेबिलिटी बताना होता है, जब किसी चीज की संभावना दिखाई पड़ती है और वो बताने की जरूरत पड़ती है, तो शुड का यूज करते हैं। जब हम ड्यूटी के सेंस में प्रयोग करते हैं शुड को, तो कहते हैं ही शेड दैट I should leave early. He said that, उसने कहा कि, क्या कहा, I should leave early. ये हो गया ड्यूटी के सेंस में, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे पहले जाना है। मैं, उसने कहा, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसके लिए एडवाइस है कि अर्ली, लीव अर्ली, थोड़ा जल्दी करना है। जब इसको पर्पज के सेंस में यूज करते हैं, तो हम कहते हैं द सिक्योरिटी गार्ड्स, द सिक्योरिटी गार्ड्स ब्लॉक्ड द गेट, ब्लॉक्ड द गेट लेस्ट The thief, lest the thief should escape. The security guards blocked the door. The security guards blocked the gate. Security guards ने क्या किया, उन्होंने गेट को बंद कर दिया, लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि थीफ बच के चले जाएं। उनको बच के नहीं जाने देना है, वो बच के नहीं जाने चाहिए। इस सेंस में हमने शुड को देखा, ड्यूटी के सेंस में, एडवाइस के सेंस में, पर्पज के सेंस में। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी की, वह है विल और उड। विल क्या है, और विल का ही पास्ट फॉर्म है उड। विल का यूज कहां कहां करते हैं सेंटेंस के अंदर, आइए अब ये देखते हैं। रेजोल्यूशन के सेंस में, कभी निष्कर्ष बताना हुआ ना, तो उसके सेंस में विल का यूज करते हैं। इंटेंशन बताना होता है जब, तब भी विल का यूज करते हैं। थ्रेट के सेंस में भी विल का यूज करते हैं, प्रॉमिस बताने के लिए विल का यूज किया जाता है,
कब? जब विल के साथ में आई और वी होगा। सेल के साथ में क्या हमने देखा कि सेल जनरली फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ लगता है, लेकिन जब उसका सब्जेक्ट चेंज होता है तो किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है वो हमने अभी देखा था। विल के साथ वही स्थिति है कि विल लगता है आई वी को छोड़कर जितने भी प्रोनाउन है उनके साथ में, लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, विल आई वी के साथ में जब यूज होगा तो इन चीजों के बारे में बात करेगा, रेजोल्यूशन बताएगा, निष्कर्ष, वो इंटेंशन की बात करेगा, किसी का क्या इरादा है, वो थ्रेट की बात करेगा, धमकी देने के सेंस में, प्रॉमिस की बात करेगा, और क्या होगा इसके साथ साथ ये पोलाइट रिक्वेस्ट की भी बात करता है। किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तब आपको विल का यूज करना चाहिए। आप विल का यूज बेझिझक करिए जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं वी विल विन द इलेक्शन, वी विल विन द इलेक्शन, हम ये चुनाव जरूर जीत जाएंगे। जब प्रॉमिस या इंटेंशन के सेंस में यूज करते हैं वी विल गेट अ नाइस गिफ्ट फॉर यू, ये हो गया इंटेंशन, ये प्रॉमिस के सेंस में हो गया। जब किसी को धमकी दिए जाने के सेंस में होता है आई विल बीट यू फॉर योर मिस्टेक्स, ये हो गया किसी को धमकी देना। जब प्रॉमिस के सेंस में यूज करते हैं इसको तो होता क्या है कि आई विल ट्रेवल टू गोवा, आई विल ट्रेवल टू गोवा, प्रॉमिस निश्चित है कि गोवा जाऊंगा मैं विथ यू, और लास्ट में है पोलाइट रिक्वेस्ट करना, किसी से बहुत ही पोलाइटली बोलना। जैसे आप जब कभी बात करते हैं किसी अपने से तो होता क्या है कि विनम्रता शो करना होता है, हमारा कोई रिलेटिव है आ गया है उससे हम बहुत विनम्र रूप से पेश आना चाहते हैं, तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में भी विल का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे आप देख सकते हैं विल यू प्लीज गिव मी योर पेन, तो विल का यूज हमने इन तरीकों में देखा, रेजोल्यूशन के सेंस में, इंटेंशन के सेंस में, थ्रेट के सेंस में, प्रॉमिस और पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में। अब बात करेंगे विल के बाद उसके पास्ट फॉर्म को। पास्ट फॉर्म विल का है वुड, और वुड को किस तरीके से सेंटेंसेस में और किन सेंस में यूज किया जाता है अब उसकी बात करूंगा मैं। पहले तो ये जानिए कि वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द विल, ये वुड पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। किसी की हैबिचुअल एक्टिविटी बताना हो तब आप वुड का यूज करिए। किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है आप वुड का यूज करिए, बेझिझक करिए। अपनी इच्छाओं के बारे में बताना है किसी को तो आप अपनी विश, क्या आपकी इच्छा है उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप वुड का यूज करिए। और साथ साथ अपनी प्रेफरेंसेस बताना हो किसी को तब भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। चार सेंस में जनरली, हैबिचुअल एक्टिविटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, विश और प्रेफरेंसेस आपकी क्या हैं। अब एक एक करके एग्जांपल को देखते हैं। ही वुड प्ले क्रिकेट इन स्कूल फॉर आवर्स, ये उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी है कि वो क्या करता है। ही वुड प्ले क्रिकेट, वो स्कूल में खेलता, खेलने के सेंस में।
क्या उसकी आदत में है, घंटों स्कूल में खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। वो स्कूल में घंटों क्रिकेट खेला करता है, ये उसकी आदत में आ गई, उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी हो गई कि स्कूल जाएगा तो घंटों खेलेगा वहां। जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू प्लीज हैव अ लेमन जूस। हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में एक एग्जांपल देखा। आई विश आई वुड विन अ लॉटरी। ये हो गया विश के सेंस में। अब बात करेंगे प्रेफरेंस की, किसी की प्रेफरेंस क्या है। आई वुड प्ले टेनिस राधर। हमारी प्रेफरेंस क्या है? टेनिस खेलना, और कोई गेम नहीं। जहां पर इन तरीके की बात की जाती है तो वहां पर उड का यूज करते हैं। आइए एक बार रिवाइज करते हैं इसको। हैबिचुअल एक्टिविटी बताने के सेंस में, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करना होता है विश के सेंस में, और प्रेफरेंसेस बताने के सेंस में हम मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे वुड का यूज करते हैं। इससे पहले मैंने विल के बारे में आपको बताया था कि विल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। हमने आज बात की शैल के बारे में, शुड के बारे में, विल के बारे में, वुड के बारे में। अब आइए बात करते हैं कैन और कुड की। कैन और कुड को किस तरीके से प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। कैन और कुड, कैन को किस सेंस में यूज करते हैं और कुड को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, वहीं पर कुड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में, आप इसको याद रखिए, कुड का यूज पास्ट टेंस में। कब कब हम कैन को यूज करेंगे और कब कब हम कुड को यूज करेंगे, आइए देखते हैं। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, किसी की एबिलिटी बताना हो, कैपेसिटी बताना हो, तब हम कैन का यूज करते हैं। परमिशन के सेंस में भी हम कैन को यूज करते हैं, परमिशन के सेंस में। और इसके साथ साथ हम किसी भी समय जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन वो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग के सेंस में। और सही सही आपको बताऊंगा अगर ना, तो ये बात करने का इनफॉर्मल तरीका है। कैन का यूज इनफॉर्मल तरीके से करते हैं, वहीं सेंटेंसेस के अंदर जो फॉर्मल तरीके से बात की जाती है तो हम मे का यूज करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मे और माइट की बात करेंगे, तब मैं आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से बताऊंगा कि कैन, कुड, मे और माइट में इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जबकि हिंदी मीनिंग दोनों की सेम है। आइए पहले कैन की बात करते हैं। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, अपनी योग्यता को बताना, अपनी क्षमता को बताना, संभावनाओं के बारे में बात करना, परमिशन की बात करना, जहां पर इस तरीके की बात की जाती है वहां पर कैन का यूज करते हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर जब हम पास्ट टेंस में बात कर रहे होते हैं तो कुड का यूज करते हैं। आई कैन सॉल्व दिस सम, ये मेरी एबिलिटी है, मैं इतना एबल हूं कि मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इतना कैपेबल हूं ना, ये जो बॉक्स है इसको मैं उठा सकता हूं। जहां पर इस तरीके के सेंस में बात करनी होती है वहां पर कैन का यूज करते हैं। परमिशन के सेंस में जब इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं यू कैन नॉट वॉक
ऑन द ग्रास. यू कैन नॉट वॉक ऑन द ग्रास. तुम घास पर नहीं टहल सकते, इस बात की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है. ये आप क्या करें, घास पर टहलें. वहीं पे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं विंटर्स इन शिमला. विंटर्स इन शिमला कैन बी वेरी कोल्ड. विंटर्स इन शिमला कैन बी वेरी कोल्ड. विंटर सीजन चल ही रहा है, शिमला में और ज्यादा ठंड हो सकती है. जब इन तरीके से प्रयोग करना होता है हमको, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में. अब आइए इन्हीं सेंस में देखते हैं कुड का क्या यूज है और किस तरीके से कुड को यूज किया जाता है सेंटेंस में. पहले तो ये जानिए कि कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन. जहां पर हमने कैन का यूज करके अभी देखा, अब आइए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कुड को, कि कुड का क्या रोल होता है सेंटेंस के अंदर. कुड को भी पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में यूज करते हैं. इससे पहले हमने देखा इस चीज को एग्जांपल्स में, एबिलिटी के सेंस में, कैपेबिलिटी के सेंस में भी कुड को यूज करते हैं. जब एबिलिटी बताना होता है, जब कैपेसिटी को डिस्क्राइब करना होता है, जैसे आई कुड जॉग फॉर मैनी किलोमीटर्स. आई कुड जॉग फॉर मैनी किलोमीटर्स. मैं टहल सकता था, जॉगिंग कर सकता था कई किलोमीटर. कब? When I was young. जब मैं यंग था तो मैं कई किलोमीटर तक का सफर कर लेता था, जॉग कर लेता, जॉगिंग कर लेता था. कसरत करना, एक्सरसाइज करना, इस सेंस में आप समझिए. और जब पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में यूज करते हैं, कुड यू लेंड मी योर पेन प्लीज. क्या आप अपना पेन, क्या आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स मुझे दे सकते हैं. नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी जिसके बारे में बात करने चल रहा हूं आपसे, वो है मे एंड माइट. मे का यूज कहां करते हैं, माइट का यूज कहां करते हैं, अब आपको ये देखना है. जहां पर मे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, वहां पर माइट पास्ट टेंस में यूज किया जाता है. पहली चीज क्लियर हो गई कि मे का यूज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में, माइट का यूज पास्ट टेंस में करेंगे. अब आइए देखते हैं एक एक करके इनके क्या प्रयोग हैं. मे का जो यूज है टू एक्सप्रेस और टू सीक परमिशन, टू एक्सप्रेस और टू सीक परमिशन, पहला यूज इसका. क्या एक्सप्रेस करेगा? परमिशन लेने और देने के सेंस में. सेकंड पॉसिबिलिटी के सेंस में. और थर्ड है विश के सेंस में. इस तरीके से हम देख रहे हैं कि परमिशन लेने और देने के सेंस में, पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के सेंस में, और विश अपनी इच्छा व्यक्त करने के संदर्भ में मे का यूज करते हैं. He may be absent today as he is not feeling well. He may be absent, वो आज absent हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं महसूस कर रहा है.
वहीं जब परमिशन लेने के सेंस में होता है तो हमने जनरल सेंस में इसको देखा, मे आई कम इन के सेंस में हमने देखा इसको, मे आई कम इन, मे आई गो आउट। वहीं पर जब विश के सेंस में इसका यूज करते हैं तो हम कहते हैं मे यू इंजॉय योर गुड डे, मे यू गो टू हेवन, मे गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मे का क्या यूज है। मे यू एंजॉय योर ग्रेट डे, मे यू गो टू हेवन, मे गॉड ब्लेस यू, ये होता है मे का यूज। वहीं पर हम देखेंगे माइट के यूज में, उसका प्रयोग भी परमिशन के सेंस में हम देखते हैं लेकिन पास्ट टेंस में। वहीं पर फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दूं, मे का यूज जहां प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किया जाता है वहीं पर माइट का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। माइट परमिशन का सेंस है माइट के लिए। जैसे हम देखें माइट को, रमन सेड दैट ही माइट बारो हिज टेबल। एक प्रयोग हमने देख लिया माइट का, वहीं पर पॉसिबिलिटी के सेंस में भी हम देखेंगे कि माइट का यूज किया जाता है संभावना बताने के सेंस में। कैसे हम देखेंगे, वीना शेड दैट, माइट के सेंस में हम पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं, वीना शेड दैट शी माइट ज्वाइन अ न्यू कंपनी। यहां एक चीज आपको मैं बता दूं, और मे और माइट, जहां पर माइट ग्रेट हेजिटेशन की बात करता है वहीं पर मे के साथ गुड पॉसिबिलिटी होता है। मे का मतलब आप ये समझिए जनरल सेंस में कि ग्रेट पॉसिबिलिटी, ज्यादातर संभावना पॉजिटिव की होती है। वही माइट जो है हेजिटेशन की बात करता है, थोड़ा हिचकिचाहट होती है इसका यूज करते समय। आप ऐसा समझिए कि 10-20% के आसपास संभावना है, माइट के साथ ऐसा नहीं, मे के साथ ऐसा नहीं, जबकि माइट के साथ इस फार्मूले पे आप काम करते हैं। अब आइए बात की जाती है मस्ट के बारे में। मस्ट का क्या प्रयोग है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, किन किन जगहों पर मस्ट का यूज करते हैं, आइए देखते हैं इसको। मस्ट का जो जनरल सेंस है वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ को लेकर है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। ये हमको ये बताएगा कि ये काम हमको करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए, इसका सेंस देता है। ये हमको गुड आइडिया के बारे में बताएगा। जहां ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ की बात करता है वहीं गुड और ग्रेट आइडिया के बारे में बात करता है ये। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन दोनों ही टेंस में मस्ट का यूज करते हैं। जहां पर एक तरफ ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ की बात करेगा वहीं पर गुड आइडिया की भी बात करेगा ये। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये रिकमेंडेशन करता हुआ नजर आएगा हमको। इस तरीके से हम अलग अलग एग्जांपल से समझेंगे। ऑल विजिटर्स
मस्ट रिपोर्ट ऑन द रिसेप्शन. ऑल विजिटर्स, जितने भी विजिटर आने वाले हैं, जितने भी विजिटर आएंगे वो सब के सब क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे टू द रिसेप्शन, रिसेप्शन काउंटर पर. वहीं जब ये आइडिया की बात करता है तो हम देखेंगे कि ऑल दैट एग्जिस्ट्स पेरिस वन डे. ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. किस बात को लेकर? ऑल दैट एग्जिस्ट, जितने भी लोग हैं यूनिवर्स के अंदर, पेरिस होना है, डिस्ट्रॉय होना है, एक न एक दिन उनको सबको समाप्त होना है, कोई भी अमर नहीं रहेगा. इस तरीके से हमने मस्ट का यूज देखा, जो एक तरफ स्ट्रॉन्ग बिलीफ की बात करता है, वहीं पर हम देख रहे थे कि ये जहां सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीफ की बात हम देख रहे थे, गुड आइडिया और रिकमेंडेशन की भी बात हमने देखा. अब इसके बाद में हम जिस मॉडल ऑक्सिलरी की बात करेंगे वो है ऑट टू. ऑट टू का सेंस जो है वो चाहिए के अर्थ में है, और जब भी आप ऑट का यूज करेंगे तो इसके साथ में टू आएगा ही. ऑट टू क्या बताता है हमको? ये किसी भी तरह के टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस, तीनों ही जगहों पर यूज किया जाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में. स्ट्रॉन्ग बिलीफ की बात करेगा, साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि ये मोरल ऑब्लिगेशन की बात करेगा, जहां पर हमको नैतिक शिक्षा जैसी कोई बात बताई जाती है, ये ऐसा हमको करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा. जैसे यू ought to help the poor and needy. You ought to help the poor and needy. ये क्या है? Moral obligation है. क्या बताता है हमको कि morality क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है? You ought to obey योर पेरेंट्स. तो जो मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करता है वहां पर ऑट टू का यूज करते हैं. तीनों तरह के टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों जगह पर इसका प्रयोग कर लेते हैं. अब आइए मॉडल में हम अपने लास्ट क्रम में पहुंच गए हैं, जहां हम डेयर और नीड की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेयर का यूज कहां करते हैं और नीड का यूज कहां करते हैं. डेयर और नीड. डेयर का मतलब होता है करेज, साहस. हमारे अंदर कितना साहस है, हम कितनी ताकत रखते हैं किसी काम को करने की, इट मींस हैव द करेज और टू बी ब्रेव एनफ. To be brave enough. जहां हम इसकी बात करते हैं वहां dare का यूज किया जाता है. जैसे India is ready. India is ready to dare any foreign attack. ये करेज है, टू बी ब्रेव एनफ. हम इतना पर्याप्त बहादुर हैं कि हम क्या हमेशा रेडी हैं. क्या करने के लिए? टू डेयर. हमारे अंदर इतना साहस, हम रेडी हैं किसी भी फॉरेन अटैक से निपटने के लिए. जब कभी चैलेंज की बात की जाती है, किसी को चैलेंज देना हो या लेना हुआ, तब भी हम डेयर का यूज करते हैं. आई डेयर यू
टू ईट ऑल द फूड ऑन द टेबल. मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं. चैलेंज किस बात का है? चैलेंज इस बात का है कि जितना भी ईटेबल मटेरियल है हमारे पास, जितना भी ईटेबल है, जितना खाने वाली चीजें हैं टेबल के ऊपर, उनको खाने का चैलेंज है. तो इस तरीके से हमने डेयर का यूज देखा कि किस तरीके से डेयर का यूज करते हैं. अब आइए देखते हैं नीड का यूज. नीड क्या है? नीड का जो शाब्दिक अर्थ है वो आवश्यकता है, नेसेसिटी की बात करता है, ऑब्लिगेशन की बात करता है. हमारी आवश्यकता क्या है? हम किन चीजों की चाहत रखते हैं? हमको क्या चाहिए? ही नीड नॉट गिव अप टेनिस. क्या मतलब है इसका? ही नीड नॉट गिव अप टेनिस. गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना. वो नहीं छोड़ सकता. क्या नहीं छोड़ सकता? टेनिस खेलना. ये क्या है? ये बताता है कि उसकी नेसेसिटी है, ये उसकी आवश्यकता है कि वो बिना टेनिस खेले नहीं रह सकता है. नीड आई हेल्प यू. क्या बताता है? कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है. और इस तरीके से हमने एक एक करके मॉडल ऑक्सिलरी में ये जाना कि मॉडल्स हैं क्या, किस तरीके से प्रयोग करते हैं, कहां पर इनका प्रयोग होता है, किस तरह की शर्तें हैं जो मॉडल यूज किया जाता है. एक एक करके हमने ये भी देखा कि विल का यूज क्या है, वुड का क्या है, शैल शुड को कैसे यूज करते हैं, कैन कुड को देखा हमने, मे माइट का प्रयोग देखा, मस्ट ऑट टू नीड एंड डेयर. डिफरेंट एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की. एक ही फुल वीडियो में मैंने पूरा मॉडल ऑक्सिलरी आपको समझाया. आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को भेजिए. ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए. थैंक यू.